सुशांत सिंह केस में सीबीआई के जुड़ने के बाद तेजी आ चुकी है। सीबीआई ने केस से जुड़े लोगों से पूछताछ के बाद रिया से भी पूछताछ की। सीबीआई के अनुसार रिया पूछताछ में कोई खास मदद नहीं कर रही है। कुछ ऐसा ही आरोप ईडी ने भी लगाया था। आज मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि रिया और केस से जुड़े अन्य संदिग्धों का पोलियोग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है ये टेस्ट। पोलियोग्राफ टेस्ट सामान्य भाषा में इसका मतलब होता है सच और झूठ का पता लगाने वाला टेस्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के केस में कई बार सच का पता लगाने के लिए आरोपी का पोलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ देशों में जॉब के लिए, जैसे अमेरिका की FBI और CIA में हायरिंग करने से पहले भी ये टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट का मकसद ये जानना होता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। पर सवाल उठता है कि अगर ऐसी कोई मशीन है जिससे झूठ पकड़ा जा सकता है, तो सरकार और लोग इतना धन, समय और संसाधन कानूनी कार्रवाई में क्यों खर्च करते हैं? मशीन से ही काम करवा लेना चाहिए, फैसला तुरंत हो जाएगा। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पॉलीग्राफ मशीन का इन्वेंशन 1921 में जॉन अगस्टस लार्सन ने किया था। जॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मेडिकल की पढ़ाई की थी। वे कैलिफोर्निया के बर्कले पुलिस स्टेशन में कार्यरत भी थे। जब किसी व्यक्ति का लाइट डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है तो उसके साथ 6 सेंसर जैसे स्फिग्नोमैनोमीटर, न्यूमोग्राफ और इलेक्ट्रोड आदि अटैच किए जाते हैं। फिर शुरुआत होती है सवाल पूछने की। सबसे पहले जांचकर्ता आसान सवाल पूछता है जिसका उत्तर आमतौर पर आदमी सच ही देता है। फिर जांचकर्ता मशीन में दर्ज शारीरिक क्रियाओं को देखता है और फिर मुद्दे के सवाल करता है और पुनः यंत्रों के माध्यम से उपरोक्त क्रियाओं को देखता है। पॉलीग्राफ मशीन में 4 बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। पहली, व्यक्ति के सांस लेने की गति, ब्रीदिंग रेट। दूसरी, व्यक्ति की पल्स रेट। तीसरे, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। और चौथा, व्यक्ति के शरीर से निकल रहा पसीना। आमतौर पर झूठ बोलने पर इन सारी क्रियाओं की तीव्रता में वृद्धि दर्ज की जाती है। यही इस पॉलीग्राफ टेस्ट का मूल आधार होता है। हालांकि अधिकतर मामलों में ये टेस्ट फायदेमंद रहा है, पर इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि जिन शारीरिक क्रियाओं के निरीक्षण पर यह टेस्ट आधारित है उनमें सच बोलते समय भी मनोवैज्ञानिक कारणों से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सवाल पूछे जाने के दौरान व्यक्ति पर काफी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि पेशेवर मुजरिम नियमित अभ्यास और दृढ़ इरादों के बल पर इस प्रकार के टेस्ट से आराम से बच सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी बहुत मायने रखता है कि प्रश्नकर्ता किस तरह के सवालों को पूछ रहा है। कुछ साल पहले आई फिल्म तलवार, जो नूपुर तलवार हत्याकांड पर बनी थी, उसमें ऐसे दृश्य को बखूबी फिल्माया गया था। इसलिए दुनिया में किसी भी आधुनिक न्याय प्रणाली में इसे बहुत विश्वसनीय नहीं समझा जाता है। अतः इस प्रकार का टेस्ट आपराधिक जांच में सहायक तो हो सकता है, पर जांच और उसके नतीजे सिर्फ इसी टेस्ट पर आधारित नहीं हो सकते। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये टेस्ट कितना कारगर साबित होगा।